कहा ना दाएं देखो ना बाएं। फिर क्या था, प्रशासन सख्ती से माफिया मुक्त प्रदेश बनाने की कवायद में जुट गया। इसी कड़ी में आज जिला प्रशासन जबलपुर ने अवैध कब्जों को लेकर अंधमुख बाईपास पर की बड़ी कार्रवाई। एडीएम पुलिस प्रशासन के नेतृत्व में निगम के अतिक्रमण अमले ने शासकीय भूमि पर बनाए गए 5 अवैध ढाबों को जमींदोज किया। वहीं इस कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से 10 हाइवा स्टॉक की गई रेत को भी जब्त किया गया। शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था और अवैध रेत, अवैध माइनिंग की भी, जो अवैध रेत की स्टॉक की गई थी यहाँ पे, और शासकीय जमीन को भी एक कब्जे से मुक्त करने की कार्रवाई की जा रही है। कितने चिन्हित किए गए हैं, कितने तोड़े जा रहे हैं यहाँ पे? जैसे अभी पीछे भी एक रेत का एक स्टॉकिंग का अभी ऑलरेडी गिराया गया है। लगभग 3 ढाबे थे जिसमें अवैध शराब की भी बिक्री की कंप्लेंट्स थी, उसके भी ऊपर कार्रवाई की गई है और आगे भी बिल्डिंग्स की अभी कार्रवाई जा रही है। बाईपास से लेकर कुछ और भी ढाबे हैं अभी, उसमें उन पर भी कार्रवाई की जाएगी कि जो भी शासकीय ज़मीन पे हो, जो भी ऐसे माफिया हो जो अवैध कब्जा कर रहे हैं और अवैध ऐसे कितने भी एक्साइज हो, माइनिंग हो, शासन के निर्देश अनुसार कार्रवाई अग्रिम। इसमें कुछ हाइवा वगैरह भी जब्त किए गए? जी हाँ, कुछ अराउंड 30 लाख की टैक्स की भी चोरी की जो है या नॉन पेमेंट की इंफॉर्मेशन मिली थी, जिस हिसाब से अराउंड 10 हाईवे की भी सीज की गई है। 10 हाईवा जब्त किए गए।